यूपीएसटीएफ का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टाइम्स टाउन ऑफ भारत पर यूपीएसटीएफ चीफ का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, असद एनकाउंटर पर हर सवाल का जवाब। बाकी बचे शूटर्स की तलाश जारी है, या तो सरेंडर करें या फिर पुलिस गिरफ्तार करेगी, और अगर फायरिंग हुई तो फिर एनकाउंटर भी हो सकता है। अमिताभ या शतीक गैंग के पास बड़ी संख्या में विदेशी वेपन है, अभी हमने देखा इंपोर्टेड पिस्टल, इंपोर्टेड रिवॉल्वर, स्टेटस सिंबल का प्रतीक, ये सब हाईटेक हथियार थे इनके पास, अमिताभ यश की तरफ से कहा गया। अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश में खास करके आम लोगों में इस बात को लेकर चर्चा है कि अतीक जैसे माफिया के आतंक का राज जो है वो खत्म करने की कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन इस सफलतापूर्वक एनकाउंटर को करने वाली टीम के डीजी हमारे साथ हैं, यूपीएसटीएफ के हेड अमिताभ सर। अमिताभ सर, अब चूंकि एनकाउंटर हो चुका है लेकिन इसमें अभी भी तमाम वो किरदार हैं जो उस पूरे शूटिंग कांड में जो हैं, जो कि सीसीटीवी में दिखाई दिए थे, वो अभी भी गायब हैं। कब तक माना जा रहा है कि उनको नैप करके उन्हें एलिमिनेट किया जा सकेगा? इस पूरे घटनाक्रम में जितने भी शूटर्स थे और जो लोग उस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, उसको ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस और सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से पूरी तरह से बेनकाब किया जा चुका है, और उन सभी अभियुक्तों की तलाश जारी है। प्रयागराज पुलिस भी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है, एसटीएफ की भी सारी टीम्स इसी कार्य को कर रही हैं, और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द इन सभी को कानून के दायरे में लेकर आएं। अतीक अहमद से जो पूछताछ हुई और या जो बातें निकल कर आई कि लगातार उसने उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं विदेशी हथियारों का एक अड्डा बना रखा था, और कई हथियारों के इस तरह के जो अड्डे हैं वो और उसके भाई जो हैं वो चलाते हैं, जिनको वो कह रहे हैं कि वो जानते हैं, उनकी उन हथियारों की बरामदगी को लेकर भी क्या एसटीएफ अपनी ओर से तमाम कोशिशें कर रही है? ये बात सही है कि अतीक के पास और इस गैंग के पास भारी संख्या में फॉरेन मेड वेपन्स हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, और उन सभी को तलाशने की कोशिश जारी है। लेकिन इस कार्य को, जो इंट्रोगेशन का कार्य है, कस्टोडियल इंट्रोगेशन का कार्य, वो प्रयागराज पुलिस कर रही है। डिटेल्स वो हमारे साथ शेयर करते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है उस पर कार्रवाई होगी।